कांगड़ा चंबा सांसद शांता कुमार 4.5 वर्ष बाद जागने के कगार पर है और टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, तो 4.5 साल तक वे किसी भी हलके में लोगों व कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं मिले और हमेशा क्यों कहते रहे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन अब वे टिकट मांगते फिर रहे हैं तो लोगों के घर घर भी जा रहे हैं। ये शब्द प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बैजनाथ में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेरे अध्यक्ष पद की नियुक्ति तब हुई है जब लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिसका उदाहरण शिमला में हुई बड़ी रैली दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जोड़कर कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को भी तरजीह दी गई है। कार्यकारिणी में पहले जो लोग शामिल थे उन्हें किसी भी जगह से नहीं हटाया गया था, लेकिन पूर्व विधायक किशोरी लाल का नाम कैसे काटा गया इस बात की हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है और जो थोड़ी बहुत कमी है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा, तथा उन्होंने आह्वान किया कि लोकसभा 2019 का चुनाव सभी अपने अपने मोर्चा पर डट के लड़ें और अपने आप में मन मुटाव को भुलाकर बूथ लेवल तक काम करें। लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में उन्होंने कहा कि आवेदकों के अलावा स्क्रीनिंग के बाद आलाकमान ही अंतिम मोहर लगाएगा। वहीं प्रियंका गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुई है भाजपा के होश उड़ गए हैं, ये बात उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है और मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाई है, जबकि रक्षा सौदे में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सार्वजनिक संस्थाओं को कमजोर करने में केंद्र सरकार ने भरपूर कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मोदी का शासन नागपुर कार्यालय से चलता है, ये आरएसएस के लोग बैठे हैं। इस समय केंद्र में आरएसएस और नॉन आरएसएस में शीत युद्ध चल रहा है जो आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगा। प्रदेश सरकार पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, कांग्रेस सरकार के उद्घाटन के ऊपर अपनी पट्टिकाएं लगाकर वाह वाह लूटी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा बढ़ा है जिससे युवा इस नशे में संलिप्त हैं, जिस पर सरकार का कोई भी लगाम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से वे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका एक ही काम है, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करना। कार्यकर्ताओं का हजूम जो है मेरे स्वागत के लिए आ रहा था और मैंने थोड़ी थोड़ी देर रुक कर वहाँ राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का संदेश जो है अपने कार्यकर्ताओं को दिया। ये सब इस बात को इंगित करता है कि इस वक्त हवा फिजाएं बदली हुई और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि इतनी बारिश के बावजूद भी रास्ते में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। अभी हमने हालांकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, तमाम उन्होंने जो वायदे पिछले चुनाव में किए कोई भी वादा जो है देश की जनता से उन्होंने पूरा नहीं किया हुआ है। राफेल का मुद्दा आपके सामने, देश की जो सार्वजनिक संस्थाएं उनको कमजोर करने का प्रयास हुआ जो है राज्य सरकार की, एक वर्ष से थोड़ा ज़्यादा का कार्यकाल हुआ लेकिन सरकार हर मोर्चे पे असफल रही। देश में कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हालत हैं, कारोबार बहुत बड़ा है और एक चिंता का विषय है हमारे सामने कि युवा हमारे जो है वो नशे की प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं और ये सरकार नशे के कारोबार को रोकने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। आरएसएस बनाम नॉन आरएसएस का अंतर्द्वंद चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे यहाँ से वरिष्ठ नेता श्री जी एस वाली ने पूरी योजना बनाई कि हमको किस ढंग से पार्टी का प्रचार प्रसार करना, आवेदन किया, हमको उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब ये कि हवा जो है कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि जब लोग ज़्यादा आवेदन करते हैं तो लोगों को लगता है जो हमारी पार्टी से जुड़ेंगे उनकी जीतने की संभावनाएँ जो है बहुत ज़्यादा। मैं विचार के लिए भेज दी और जब भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसमें हमारे जो उम्मीदवार हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो हम अभी मेरा ये दौरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं
अपने जो नव हमारी जो अभी पिछले कल हमारी जो कार्यकारिणी बनी, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, उस कार्यकारिणी में मैंने किसी पुराने आदमी को नहीं हटाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई ये संदेश जाए कि आप पुराने में से किसी को हटा रहे हैं। खाली एक दो जिला है जहाँ बहुत जरूरत थी परिवर्तन की, या उन्ना था, वहाँ के अध्यक्ष चाह रहे थे कि स्वयं मुझे बहुत समय हो गया, बाकी हमने सारी कार्यकारिणी को वैसे रखा, नए लोगों को जोड़ा, और मैंने ज़्यादातर तरजीह जो है युवाओं को दिए, जो NSOI, मैं खुद NSOI का अध्यक्ष रहा हूँ, युवा कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैंने काफ़ी सारे समय काम किया, तो मैंने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया, और युवाओं को मैंने बहुत अहम जिम्मेवारी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सौंपी, भी ट्रेजरर बनाया गया, केवल सिंह पठानिया है, मनमोहन कटोच है, वीर कुमार, बहुत सारे अगर आप देखेंगे PCC में नए पदाधिकारी मैंने वो बनाए जो संगठन की पृष्ठभूमि से आए, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम जो है प्रदेश में शीघ्र ही जनसभाओं का आयोजन करेंगे, और हमने राहुल जी से भी मैंने बात की, वो भी हिमाचल प्रदेश में जब हम इनको कार्यक्रम भेजेंगे वो सम्मिलित होंगे, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी हमने कहा कि वो भी आके जनसभाओं को संबोधित करें, तो आने वाले समय में माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, अनंत शर्मा जी और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो इकट्ठे मिलके जो है प्रचार में निकलेंगे। थैंक यू। अब आपने उस पर विचार करके स्क्रीनिंग कमेटी में भेजें, उसके बाद अंतिम फैसला पार्टी आला कमान ने लेना, पार्टी आला कमान जो है वो उन्होंने अपने तौर पे भी जो मुझे मालूम है कि यहाँ उन्होंने सर्वे किया, तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है निर्णय होगा वो पार्टी आला कमान का कैसे आई है। और मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कितने अध्यक्ष अनुसूचित रहे, चौधरी पीरूराम, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी, गंगूराम हैं नहीं, गंगूराम जी अध्यक्ष नहीं रहे, कुलदीप कुमार जी, तीन अध्यक्ष मैं गिना सकता हूँ, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, तीन अध्यक्ष तो जिन जो मैं NSOI का अध्यक्ष था उसके बाद मैंने काम, भारतीय जनता पार्टी बताया कि इनका एक भी अध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति से हो, पहले सोच के बयान दें ना, जो लोग बैठे उनको अपने इतिहास की जानकारी नहीं है,